मॉर्निंग। चलिए जी, कल हमने पढ़ा था मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। तो बताएंगे क्या था मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मींस एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हम देखते हैं हमारी एडिशनल कॉस्ट कितनी आ रही है। कोशिश करना है बस उससे ज़्यादा पैसा मिल जाए तो हम प्रॉफिट हो जाएगा। कितनी यूनिट की कॉस्ट होती है मार्जिनल? एक यूनिट की कॉस्ट होती है, क्वेश्चन कहे ना कहे। ये हमेशा कितनी यूनिट की कॉस्ट है? एक यूनिट की कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या था? पर यूनिट कॉस्ट ये है, लेकिन एक्चुअल नहीं है एवरेज, मतलब लगभग अंदाजा है। टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए क्वांटिटी से। वेरिएबल होगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए क्वांटिटी से। फिक्स्ड होगा तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए क्वांटिटी से। बस एक दो बातें ध्यान रखनी है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या जीरो हो सकता है? नहीं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जीरो हो सकता है? नहीं। जब टोटल ही जीरो नहीं है, जब उसका सोर्स है वो ही जीरो नहीं है, तो एवरेज भी जीरो कैसे होगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकता है? क्योंकि टोटल जीरो हो सकता है तो एवरेज भी जीरो हो सकता है। ठीक है जी, बड़े आगे अब नेक्स्ट वन लिखे। सेमी वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट लिखे सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल, सेमी यानी इसके अंदर ये ऐसी कॉस्ट है जिसमें दो चीजें शामिल हैं, कुछ वेरिएबल है और कुछ फिक्स्ड। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो टोटल कॉस्ट हो गया। फिर टोटल कॉस्ट में भी तो फिक्स होता है और वेरिएबल होता है। देखिए ऐसा कोई खर्चा है जो बाय डिफॉल्ट ऐसा है, जैसे मैं अगर बोलूं रेंट ये फिक्स कॉस्ट है, रामलाल को मैं एक यूनिट बनाने के लिए 5 रुपये दूंगा, 2 के लिए 10, 3 के लिए 15, 4 के लिए 20, 5 के लिए 25, इन दोनों का टोटल अगर मैं खुद करूं तो ये टोटल कॉस्ट है, क्योंकि मैंने करा ना। बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देखिए आप क्या है। आप 2 महीने समर वेकेशन पर कहीं चले गए घर से बाहर, एक दिन भी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हुई, तो बिल आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का ये मानना है कि हम आपको इलेक्ट्रिसिटी जो दे रहे हैं उसका तो चार्ज लेंगे ही लेंगे, प्लस जो हमने आपके घर पर मीटर दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, उसका हम आपसे क्या चार्ज करते हैं? रेंट चार्ज करते हैं। तो वहाँ 2 टाइप के बिल हैं, और वो चॉइस नहीं हमारी कि हमने मिलाया उसे, फर्क समझ लीजिए। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर इन दोनों को मिला देंगे तो क्या जाएगा टोटल कॉस्ट, वो तब आएगा अगर मैं इसका टोटल करूँ। बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट ने ऐसा किया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो मैंने ऐसा नहीं करा कि मैंने उसमें फिक्स शामिल कर दिया, मैंने उसमें वेरिएबल शामिल कर दिया, वो तो है ही ऐसा। ऐसा कोई भी खर्चा जिसमें कुछ एलिमेंट फिक्स के हैं, कुछ एलिमेंट वेरिएबल के हैं, और वो बाय डिफॉल्ट ऐसा है, मैंने नहीं करा जानबूझकर। पहले क्या होता था, पहले दौर में जो घर पर लैंडलाइन कनेक्शन है आपके यहाँ लैंडलाइन कनेक्शन में भी ऐसा ही होता था, आप कॉल कीजिए मत कीजिए, ज़्यादा कीजिए कम कीजिए, कुछ रेंट आता था 199 रुपीस पर मंथ, ये रेंट था, ये तो देना ही देना है। आप एक भी कॉल मत कीजिए, ज़्यादा कीजिए कम कीजिए, उन्हें मतलब नहीं है। 199 फिक्स है, प्लस अब प्लस पर आते हैं, ज़्यादा कॉल करेंगे तो बिल ज़्यादा आएगा, कम कॉल करेंगे बिल कम आएगा, नहीं करेंगे तो भी आएगा। कौन से वाला? 199 वाला। तो बाय डिफॉल्ट कुछ चीज़ों में ऐसा था, ऑल दो अब लैंडलाइन में भी सिस्टम खत्म हो गया, क्योंकि अब तो अनलिमिटेड कॉल्स वाला सिस्टम आ गया लैंडलाइन में भी। एयरटेल में भी शायद 500-600 रुपये महीना है, अनलिमिटेड कॉल्स है, इंटरनेट है, सब खत्म। तो वो कैसा हो गया? सिर्फ फिक्स हो गया, उसमें वेरिएबल सेमी वेरिएबल खत्म हो गया। तो सेमी वेरिएबल का मतलब क्या है? ऐसा कोई खर्चा जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ फिक्स कॉस्ट है और कुछ वेरिएबल कॉस्ट। लिख लीजिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट, हेडिंग डालिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए। इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट
इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट देर आर सम कॉस्ट, इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट देर आर सम कॉस्ट विच आर नीदर परफेक्टली फिक्स्ड, विच आर नीदर परफेक्टली फिक्स्ड, जो ना तो पूरी तरह से फिक्स्ड है नॉर परफेक्टली वेरिएबल, चल नीदर परफेक्टली फिक्स्ड, जो ना तो पूरी तरीके से फिक्स्ड है नॉर परफेक्टली वेरिएबल। एग्जाम्पल बताइए क्या क्या हो सकता है। आजकल तो मोटा मोटा एक ही रह गया वैसे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख लीजिए आप, लैंडलाइन कनेक्शन बिल, पहले BSNL में शायद आज भी ऐसा ही है, बाकी कंपनीज में खत्म हो गया, BSNL में शायद आज भी ऐसा ही है, कुछ रेंट का पोर्शन है और बाकी ज़्यादा करेंगे कॉल तो ज़्यादा बिल आएगा, अदरवाइज जनरली या तो फिक्स होता है नेचर या फिर वेरिएबल होता है। कौन सी बेटा? टैक्सी का फेयर, टैक्सी में भी कह सकते हैं आप, जैसे एक तो होता है विद इन द सिटी टैक्सी हायर कर लिया आपने, आपको सिटी से बाहर जाना है, सही कह रहे हैं आप, तो क्या है मेरठ की अगर मैं बात करूँ, हमारे यहाँ क्या है, अगर आपको टैक्सी हायर पर लेनी है शहर से बाहर, तो बोलेगा कि मुझे 200 किलोमीटर का फिक्स चार्ज चाहिए चाहिए, आप टैक्सी 50 किलोमीटर चलाइए, 60 चलाइए, 70 चलाइए, 150 चलाइए, 180 चलाइए, कितने का चार्ज करेगा वो 200 किलोमीटर, लेकिन आपने 300 किलोमीटर चला दी तो 100 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर का वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लेंगे, तो टैक्सी फेयर भी कह सकते हैं, सही कह रहे हैं। वाटर बिल है जी, वाटर बिल तो फिक्स ही होता है, उसमें कौन रीडिंग वीडिंग वो करो मत करो, फिक्स हो गया वो, उसमें ज़्यादा कम का कोई चक्कर नहीं होता, वाटर बिल में तो फिक्स बिल आता है, ज़्यादा कम कोई रीडिंग वीडिंग कुछ होती नहीं है उसकी, फिक्स है वो। लास्ट और लिख लीजिए बस, एक और है इसमें, स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट, सीढ़ी नुमा कॉस्ट, स्टेयर सीढ़ी वाला स्टेयर, स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट, स्टेयर स्टेप STAIR, स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। स्कूल की तरफ से गए पिकनिक पर कभी, गए घूमने स्कूल की तरफ से, ट्रिप गए, तो देखिए वहां क्या होता है ट्रिप में, एक कॉस्ट और होती है सीढ़ी नुमा कॉस्ट, स्कूल वालों ने कहा भाई ऐसे ऐसे हम ट्रिप पर ले जा रहे हैं, बड़ा स्कूल है 500 बच्चे जाने के लिए तैयार हो, क्या करें, एक बस में तो जाएंगे नहीं, ट्रेन कर नहीं सकते, क्या करें, तो वो क्या करते हैं बस वालों से बात करते हैं, अब बस वाले ने कहा कि सर हम लेकर चलेंगे जहां जाना चाहते हैं, एक बस 10,000 रुपये लेंगे आपसे, और 50 स्टूडेंट की कैपेसिटी है, अब मुझे बताइए 70 स्टूडेंट हैं कितनी बस करनी पड़ेगी, दो बस करनी पड़ेगी, 80 हैं, 90 हैं, 100 हैं, एक लेवल तक तो फिक्स है, 20,000 रुपये देने पड़ेंगे, 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, एक बस एक लेवल तक क्या है ये कॉस्ट फिक्स है, ये 10,000 रुपये, जैसे ही 50 से ज़्यादा हुए स्टूडेंट कितनी बस करनी पड़ेगी, दो 20,000, फिर ये 55, 60, 65, 70, 89, 90, 95, 100 तक फिक्स रहेगा 20,000, 110 हो गए कितनी बस, 3 बस, बढ़कर किराया कितना हो गया 30,000, फिर ये 30 रहेगा अप टू 150 स्टूडेंट, 150 से ऊपर होते कितना हो जाएगा 40,000, यानी ये जो किराया है ना ये एक लिमिट तक सेम है, उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो ये बढ़ जाएगा और फिर सेम हो जाएगा, फिर अगली लिमिट आ जाएगी फिर सेम, इस तरीके से चलता है सीढ़ी नुमा कॉस्ट, देख रहे हैं आप, तो लिखिए जरा से, दीज टाइप ऑफ कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड, दीज टाइप ऑफ कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड, दीज टाइप ऑफ कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड, अप टू ए सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट, अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट,
बट आफ्टर दिस सर्टेन लेवल, बट आफ्टर दिस सर्टेन लेवल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय सम फिक्स्ड अमाउंट. कॉस्ट विल इंक्रीज बाय सम फिक्स्ड अमाउंट. नेक्स्ट लाइन लिखिए, फॉर एग्जाम्पल बस फेयर रुपीज टेन थाउजेंड अप टू 50 स्टूडेंट. बस फेयर रुपीज 10,000 अप टू 50 स्टूडेंट्स. तो 50 के मल्टीपल में चलेगा ये, 50 की रेंज जैसे ही ब्रीच होगी तो ये अमाउंट बढ़ जाएगा एक फिक्स अमाउंट से ही. पहले 10 था, अब सिर्फ 10 ही बढ़ेंगे, 20 हो जाएगा. फिर वो रेंज सेम रहेगी 100 तक, फिर ब्रीच करेंगे 100 के लेवल को, फिर ये सेम हो जाएगी 30,000, फिर ब्रीच करेंगे फिर 40,000, इस तरीके से. ठीक है जी, तो हमने अलग अलग कॉस्ट देख लिए, फिक्स देखा, वेरिएबल देखा, टोटल देखा, एवरेज देखा, मार्जिनल देखा, स्टेप स्टेप देखा, सेमी वेरिएबल देखा. ये तो बात हुई कितने अलग अलग तरह की कॉस्ट होती है, उनकी नेचर क्या है. ठीक है, बात अब थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट करनी है हमें. नेक्स्ट पॉइंट बहुत ध्यान देने, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. ये P&L अकाउंट है, ठीक है. बात 11th क्लास में आपने अकाउंट्स पढ़ी, 12th में अकाउंट्स पढ़ी, कौन सा मेथड है अकाउंट्स का? अकाउंट्स आप बनाते हैं डेबिट क्रेडिट, इसका एक मेथड है, क्या नाम है उसका? डबल एंट्री सिस्टम. डेबिट है तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट है तो आज नहीं तो कल होगा, होगा जरूर. आपने फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर लिए तो फिक्स्ड एसेट्स डेबिट हो गया, कभी ना कभी क्रेडिट जरूर होगा. इसी बेसिस पर हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं. 11th क्लास में कभी पढ़ाया गया होगा आपको, लेकिन भूल गया. क्या डबल एंट्री सिस्टम की कुछ बुराइयां हैं? पढ़ाया होगा आपको, बड़ा बोरिंग सा चैप्टर था. क्या बुराई है? भूल गए हैं, बिल्कुल सच्चा है. तो सर 12th का ही आदमी है, कहाँ 11th की बातें कर रहे हैं आप, वो तो वैसे भी कोरोना था तब तो. आज मैं आपको बताऊंगा, देखिए अकाउंट्स में जो बातें आप पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजों में डिस्प्यूट है जो हम यहां पर दूर कर दें. मतलब जो हम अकाउंट्स बनाते हैं वो ये मत समझिए कि जो हमने अकाउंट्स बना लिए वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, उसमें बहुत सारी कमियां हैं. जैसे एक कमी आप ही खुद बता देंगे, मुझे बताइए डेप्रिसिएशन डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा? डेबिट के आते हैं एक्सपेंसेस या इनकम? मुझे बताइए डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस कैसे है, क्या किसी को देना है? जब नॉन कैश है तो एक्सपेंसेस कैसे है, और अगर एक्सपेंसेस है तो नॉन कैश क्यों है? कि मैंने 50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन खर्च कर दिया कल, सर हम तो खर्च कर ही नहीं सकते इसे. जब खर्च कर नहीं सकते तो एक्सपेंसेस कैसे? जी बताइए. ओके, तो ये अकाउंट्स वाले जो कहते हैं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, एक्सपेंसेस इज नॉट इक्वल टू पेमेंट, ऐसा इनका कहना है. लेकिन ये किसका कहना है? अकाउंट्स वालों का, अमित सर का. मेरा ऐसा कहना नहीं है, मेरा ऐसा मानना है कि जो चीज देनी नहीं वो खर्च कहाँ है? क्या किसी को देना है डेप्रिसिएशन? तो अकाउंट्स के ड्रॉबैक हैं, ये फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है, ठीक है. बाकी और किसी मेथड में आप जाइए, सिंगल एंट्री और है एक सिस्टम, एक बैंक वाले अडॉप्ट करते हैं, वो अलग तरह का पढ़ेंगे.
उनमें और तमाम खामियां हैं इससे भी ज्यादा, तो ठीक है उसमें 20 खामियां हैं, इसमें 5 हैं, तो यही अच्छा है। तो डबल एंट्री सिस्टम में भी बहुत सारी कमियां हैं, जैसे आज हम पढ़ेंगे कमी के बारे में, डेप्रिसिएशन एक कमी है, डेप्रिसिएशन बहुत बड़ा एक कमी है। अभी नेक्स्ट स्टेज पर पढ़ेंगे आप सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और देखेंगे हम कि बिजनेसमैन के नजरिए से डेप्रिसिएशन का ट्रू ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, वो ये ट्रीटमेंट होता ही नहीं, हम वहां जाकर सी एंटर में से खारिज कर देंगे और बोलेंगे भाई अकाउंट वाले जो करते हैं करने दीजिए, हमें इससे मतलब नहीं, वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं उस चक्कर में नहीं जा रहे, लेकिन सही ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए विद लॉजिक वो हम पढ़ेंगे वहां पर, डेप्रिसिएशन का सही ट्रीटमेंट सी एंटर में पढ़ेंगे। दूसरा ट्रीटमेंट अब आइए जरा ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से पढ़िए। देखिए आप भी जानते हैं गवर्नमेंट जॉब पहले, आजकल तो बड़े टफ प्रोसीजर हो गए, पहले क्या होता था जिसकी सरकार बनी उसने अपने जान पहचान चाहने वालों को पैसे ले लाकर गवर्नमेंट जॉब लगाई, ऐसे होता था पहले। अब सोचिए ऐसे एक मिस्टर थे पुरानी सरकार के जमाने में, उनकी जॉब चल रही थी 20 लाख रुपए साल, और ध्यान से सुनिए कितने रुपए थे 20 लाख रुपए साल, कुछ काम नहीं था, मतलब वो पोस्ट क्रिएट करी गई थी, वो कोई डिपार्टमेंट था ही नहीं, जबरदस्ती एक डिपार्टमेंट बनाया और उनको उस डिपार्टमेंट का मैनेजर बना दिया, काम क्या है कोई काम ही नहीं, जाते नहीं कुछ काम ही नहीं, हर साल 20 लाख रुपए आ जाते थे। अब नई गवर्नमेंट बन गई, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये देखो ये कौन कौन स्टाफ है, आता है नहीं आता टाइम पर, तो पता चला ये तो आज तक आए नहीं, कह रहे क्यों नहीं आए, क्या डिपार्टमेंट है, कह रहे ये डिपार्टमेंट, कह रहे इस नाम का तो कोई डिपार्टमेंट होना ही नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं, कह रहे इस आदमी को हम बर्खास्त करते हैं आज से। मुझे बताइए सोचकर वो आदमी बड़ा परेशान है, क्यों नौकरी चली गई, नौकरी चली जाने से क्यों परेशान है वो, क्योंकि जो पैसा आ रहा था वो नहीं आ रहा, उसे नौकरी जाने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लॉस। पीएनएल अकाउंट में डेबिट आते हैं क्रेडिट आते हैं, डेबिट क्या एंट्री पास करेंगे जरा बताना, उससे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, लॉस हुआ कितने का 20 लाख रुपए का, डेबिट साइड आएगा क्रेडिट साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा, एंट्री बताओ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर योगी, योगी की वजह से गई है, किसे डेबिट करें किसे आएगा तो डेबिट साइड ही बात होता है, क्योंकि लॉस तो हुआ है, लॉस तो हुआ है प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, क्या करें इसका। एंट्री पास करें, हाँ जी डेबिट आएगा क्रेडिट आएगा, अच्छा इस पर सहमति बनाइए पहले, डेबिट इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि प्रॉफिट तो हुआ नहीं है, है तो लॉस, लॉस है तो डेबिट साइड आएगा, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं, ठीक है ये बात। क्या एंट्री पास करें, दूसरा एग्जाम्पल सुनिए, ये तो हुआ पहला एग्जाम्पल एंट्री क्या करें, दूसरा एग्जाम्पल सुनिए, जो हमारे रामलाल हैं ये बड़े मेहनती हैं, और रामलाल जहाँ जॉब करते हैं एक दिन लेट पहुँचे बॉस ने बहुत डांटा, और रामलाल ने कहा देखो भाई साहब आज आपने इंतहा कर दी, बीवी ने डांटा अब तुमने डांटा, बीवी की तो सुननी पड़ेगी घर का मामला है, तुम्हारी क्यों सुने, रामलाल ने तुरंत इस्तीफा दे दिया, तो जानते हैं क्या करा, बराबर वाली दुकान किराए पर ले ली और वही काम शुरू करा, सारे कस्टमर जानते ही थे, तो कुछ कस्टमर उस दुकान से उठकर कहाँ गए, रामलाल के पास। रामलाल ने पहले साल सेल करी 12 लाख रुपये, ठीक है बात, अब सेल करी तो गुड्स खरीदे लिए होंगे, कुछ बिजली का बिल भी दिया होगा, दुकान का किराया भी दिया होगा ना, कुल मिलाकर 6 लाख रुपए के एक्सपेंसेस हुए और नेट प्रॉफिट हुआ 6 लाख। मेरा आपसे क्वेश्चन है, रामलाल ने सही किया गलत किया,
रामलाल ने जो इस्तीफा दिया, सही दिया गलत दिया? पहले वो कितना कर रहा था? पहले उसकी जो सैलरी थी वो 7 लाख रुपए। इनका क्वेश्चन है सर पहले क्या था? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, पहले जो उसकी सैलरी थी दैट वॉज 7 लाख रुपीज। है जी, गलत करा, ये कह रहे हैं सर गलत करा। पहले उसकी सैलरी थी 5 लाख, पहले इसकी सैलरी थी 5 लाख, अब सही करा। सोच कर बताइए, जल्दबाजी कर रहे हैं आप? मैंने पूछा है सवाल, इतना आसान नहीं होगा। पहले इनका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है कि सर सही गलत तो तब पता चले, पहले क्या कमाता था भाई? पहले वो 5 लाख रुपए साल कमाता था जॉब से, अब बिजनेस कर लिया खुद का, कितने कमाता है? 6 लाख रुपए कमाता है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा तो करा, पहले 5 कमाता था अब 6 कमाता है, कितने रुपए एक्स्ट्रा कमाने शुरू कर दिए? 1 लाख। अच्छा तो करा उसने, ऐसे लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है बताओ? गलत करा। क्यों गलत करा? सही तो करा। तो भी क्या हो गया बेटा, 6 लाख है ना, तो उसमें दिक्कत क्या है? 6 तो बच गए ना, उसमें क्या प्रॉब्लम? एक्चुअल एक्सपेंस है, एक्चुअल है जी। भाई साहब कुछ परेशान हो गए। सही करा गलत करा रामलाल ने, बताओ? सही करा बिल्कुल, ये तो कह रहे हैं सर बिल्कुल सही करा। मैं रामलाल के साथ, मैं होता तो मैं भी ऐसे करता, मुंह भी मार देता इसकी बात। अपने बाप के नहीं सुनते हैं तो हमें गाली सुना रहा। अब अपनी अपना बिजनेस करेंगे, पहले 5 लाख कमाते थे, अब कितना कमाते हैं? 6 लाख। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है हमें कि शायद रामलाल ने सही करा। कितने बच्चों को लगता है नहीं सर सही कहाँ करा है, कुछ झोल है इसमें अभी? नहीं होगा, उसने कस्टमर तोड़ लिया ना, नहीं नौकरी से भी तो निकाल सकता था, कभी डिमोशन हो सकता था, मान लीजिए कोरोना आ गया, कहाँ से सैलरी देगा? वगैरह तो आधी सैलरी दूंगा अभी तो। फिक्स ना सैलरी होती है ना बिजनेस होता है, रिस्क जॉब में भी है, रिस्क बिजनेस में भी। तो रिस्क से रिस्क कट गया, खत्म होगी बात। लड़ो मत बेटा मुझसे, पूछ लो, लड़ो मत बेटा, हाथापाई मत करो, वो हाथापाई करने लग गए हैं। लड़ो मत बेटा, बताओ क्या है कहना आपका? कुछ नहीं कहोगे? रामलाल ने अच्छा करा बुरा करा? अच्छा ही बताओ, बुरा करा? क्यों? सब कह रहे हैं अच्छा करा, मजा आ गया रामलाल का। जी बताइए, सोच लीजिए आराम से, ठीक बताएं। हर्षित बताओ बेटा, नहीं बताओगे? अच्छा नहीं करा, क्यों? अरे कर ली यार, कैसी बातें कर रहे हो? खर्चे करने बुरे थोड़ी हैं, खर्चे करने बुरे तब हैं अगर ये साथ ना हो। ये तो साथ है, 12 लाख 12 आ रहे हैं, 6 खर्चे हो गए, 6 बच गए। खर्चे से दिक्कत थोड़ी है, खर्चे से दिक्कत तब है अगर रेवेन्यूज ना आ रहे हो, सेल ना हो। हमने ये तो पढ़ा फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट बुरी तब है अगर सेल नहीं है। सेल है तो भैया फिर तो खूब खर्च करो, क्या दिक्कत है उसमें? बिना खर्चे करे कौन सा बिजनेस होता है? खर्च तो करने पड़ेंगे आपको, वर्कर को डिस्ट्रीब्यूट। कौन से बिजनेस में वर्कर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट भाई? ये कौन से गोले से आए हैं आप? हमारा गोला पैसा नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो जो पैसा आता है अपनी जेब में जाता है। स्टाफ को सैलरी देते हैं, प्रॉफिट से नहीं देते, उसको दे दिया हूँ एक्सपेंसिस में सब शामिल, टैक्स वैक्स दे दिया यार, एक्सपेंसिस में शामिल है सब। किसको पक्का इतना ही आएगा? मैंने कह दिया ना अब इतने आएगा सैलरी के पैटर्न है जी, ठीक किया वो तो कह रहे हैं सही करा जी। ये फिर लड़ाई शुरू होगी वहां पर। क्या ओपिनियन बना बताओ? सही करा,
सही है। वो कह रहे सर अब तुम सुनना ये चाह रहे हो क्या करें, जो भी कुछ कहें हाँ ऐसा है वैसा है, तुम्हें मन बना लिया है सही सुनने का तो सही है छोड़ो। देखिए बिजनेस करने के लिए आपको कुछ कुर्बानी करनी पड़ती है, समझ रहे हैं? कोई भी काम आप कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कुर्बानी करनी पड़ती है आपको, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। दुनिया का सबसे बड़ा त्याग क्या है पता आपको? दुनिया का सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या है नहीं पता आपको? तो कह रहे हैं सर सुबह की नींद छोड़कर आया हूँ मैं, और मुझसे पूछ रहे हैं क्या है सबसे बड़ा सेक्रीफाइस? मेरे लिए तो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस यही है कि मैंने सुबह की नींद छोड़ दिया। बताओ क्या है सबसे बड़ा सेक्रीफाइस? परिवार से दूर रहना सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है, चलिए अच्छी बात है। और इससे बड़ा सेक्रीफाइस क्या है? ये भी एक सेक्रीफाइस है, कह सकते हैं। एक जगह को मार्केटिंग की जॉब थी उसकी, फ्लाइट से जाता था, जहाँ भी जाता मुझे हाँ सुनना है। मैं तो सब ये कह रहा, वो एक जगह रहता था बंगा हुआ रहता था मालिक, अरे वो प्लेन से जाता था अलग अलग विदेशों में जाता था, सब पेमेंट का काम था उसका, मार्केटिंग का काम, तो उसको कोई टेंशन नहीं थी, खूब मजा आते थे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बिजनेस के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, जैसे दो बड़ी कुर्बानी है, अगर आप बिजनेसमैन बनेंगे तो दो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे आपको जीवन के। पहला सेक्रीफाइस जानते हैं, रामलाल ने पहला सेक्रीफाइस करा, जो वो सैलरी कमा सकता था, कितनी कमा सकता था? 5 लाख, ये कुर्बान कर दी इसने। पहला त्याग करना पड़ेगा उसे सैलरी का, अगर ये बिजनेस कर रहा है उस वक्त में फिर जॉब नहीं कर पाएगा। अगर ये जॉब कर रहा है तो बिजनेस नहीं कर पाएगा, एक ही तो काम है, भी लिमिटेड आवर्स हैं हमारे पास, 24 आवर्स हैं, 12 घंटे 8 घंटे 9 घंटे वर्किंग करनी। तो बिजनेस करेंगे तो यस आपने एक सेक्रीफाइस कर दिया, आप जब सीए बन जाएंगे और आप जॉब में हैं तो आपने जानते हैं क्या सेक्रीफाइस करा? प्रैक्टिस ना करने का सेक्रीफाइस करा, और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या सेक्रीफाइस करा? जॉब ना करने का सेक्रीफाइस करा। हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई, आप यहाँ बैठे हैं यस आपने नींद का सेक्रीफाइस करा, वो मॉनेटरी वैल्यू में नहीं है लेकिन, तो इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे। इसने एक और त्याग करा है, एक त्याग और है इसका, टाइम। तो ठीक है टाइम तो जॉब पर भी देना था 10 घंटे, यहां भी 10 घंटे देना है, तो वो तो बराबर होगा। अभी भी कोई टेंशन नहीं है इसको, ये तो मस्त है, शाम को एक पवा पीता है बस, इसको कोई टेंशन नहीं चलनी है, रामलाल है इसका नाम, इसको कोई टेंशन ही नहीं है, तो मस्त मौला इंसान, टेंशन वेंशन नहीं लेता है जी। एक त्याग और है इसका, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए बिजनेस अपने आप हो गया, मतलब दुकान किराए पर ली, स्टॉक अपने आप भगवान जी दे गए, फर्नीचर लगाकर चले गए, सब पंखे एसी लगाकर चले गए भगवान जी। भगवान जी ने कहा तूने रामलाल इतना अच्छा काम कर, अपने बॉस को डांटा, मैं बड़ा खुश हुआ प्रसन्न हुआ, ये बेटा आशीर्वाद, सुबह तुम आओगे बराबर वाली दुकान सजी धजी मिलेगी, फर्नीचर स्टॉक सब सब तैयार मिले। कहां से आया पैसा? बिजनेस करना है तो त्याग करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जानते हैं रामलाल ने डिसाइड तो कर लिया था बिजनेस करेंगे, रात भर सो नहीं पाएगा, पैसे कहां से आएंगे, स्टॉक कहां से आएगा, कस्टमर तोड़ने हैं तो उससे बेहतर दुकान की डेकोरेशन करनी पड़ेगी, इंटीरियर पर काम करना पड़ेगा, फर्नीचर अच्छा लगाना पड़ेगा। रामलाल के पास जॉब करते 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 खूब पैसा इकट्ठा हो गया बैंक में, और उसके पास एफडी थी 50 लाख रुपए की, कितने की थी? 50 लाख की, जिस पर ये 10% साल कमाता था 5 लाख। इसने गुस्से में कहा बैंक मैनेजर से, मैनेजर साहब लाओ मेरा पैसा एफडी का, छोड़ो मुझे शानदार बिजनेस करना है। मैंने सामने आई लो भी पैसा तुम्हारा, हम क्या करें? 50 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा, फर्नीचर खरीदा, इंटीरियर कराया, 50 के 50 खर्च कर दिए। है उसके पास 50 लाख रुपए कैश ना होकर एसेट के रूप में,
इट में भी फर्नीचर, इट में भी स्टॉक। 50 लाख रुपए ऐसे नहीं कि बॉन्ड बस्टिंग उड़ा दी उसने, दुकान में ही लगाए हैं। क्या क्या त्याग करें हैं इसने? पहले 10 लाख कमाता था ये, 5 लाख रुपए तो बैंक मैनेजर दे जाते थे उन्हें साल भर में, और 5 लाख रुपए उनके बॉस देते थे। कितना पैसा कमाता था? 10 लाख। बिजनेस करते ही जानते हैं उसने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। एक तो उसने सैलरी का लॉस कर लिया, और दूसरा लॉस क्या कर लिया उसने? इंटरेस्ट का लॉस कर लिया। एसेट तो है, पहले कैश था, अब स्टॉक है। स्टॉक को कूड़ा थोड़ी है, स्टॉक को बेचेगा फिर 50 लाख आ जाएंगे। फर्नीचर भी तो खरीदा उसने, एसी खरीदे, फैन खरीदे, सब एसेट ही है, फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो मुझे बताइए, अगर हम सिर्फ पीएनएल अकाउंट को देखें, डबल एंट्री सिस्टम को देखें जो आज तक आप पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी इंसान से पूछें भाई 12 लाख की सेल, 6 लाख कमाया, कैसा है रामलाल का व्यापार? कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी इसका रिश्तेदार देख रहा है, कह रहा है बड़ा अच्छा पीएनएल है तुम्हारा, 50% प्रॉफिट, वेरी गुड, 6 लाख, अरे बापरे, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा करा तुमने, जॉब छोड़ दी। लेकिन रामलाल मनीमन रोता है, क्यों? पहले 10 लाख कमाता था वो, सैटरडे संडे ऑफ था, मौज करता था, शाम को 6 बजे दुकान से आ गया, शॉप से आ गया, जॉब से आ गया, उसे कोई टेंशन ही नहीं। अब सारी टेंशन है, रात को चोरी ना हो जाए, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए दुकान में, कल को छुट्टी कर लूँ, पहले तो छुट्टी कर, मैं तबीयत खराब ना आऊँगा नहीं, आज दुकान नहीं खुली आज तो क्या होगा, उसके कस्टमर पड़ोस वाले के पास चले जाएंगे। टेंशन मोड़ ले ली उसने, वो तो टेंशन लेता नहीं है, वो उसको पता है टेंशन कैसे दूर करनी है। लेकिन यस, अगर हम मॉनेटरी टर्म्स की बात करें, ये पीएनएल अकाउंट ट्रू पिक्चर नहीं शो कर रहा। आप सदर मार्केट में जाइए, मेरठ सदर में जाइए, एक बड़ी दुकान है वहां पर, फूलों की दुकान है, आर्टिफिशियल फ्लावर बेचते हैं, तो बहुत बड़ी शॉप है, और भी यहाँ तमाम पुराना मार्केट है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, ऐसी ऐसी दुकानें अगर उससे बेच दे बाद 2-2.5 करोड़ रुपए मिल जाए, किसानों के पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, वो बेच दें तो 10-10 करोड़ रुपए आ जाएं, फिर भी वो गरीब हैं, क्योंकि उन्हें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। किसान अगर खेती कर रहा है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है क्या? इंटरेस्ट का सेक्रीफाइस नहीं कर रहा? मान लीजिए किसान के पास 10 करोड़ रुपए की ज़मीन है, वो 10 करोड़ रुपए अगर बैंक में डालता तो बिना कुछ करे इंटरेस्ट से कमाता नहीं कमाता? तो उसने खेती कर कर क्या सेक्रीफाइस करा? कहीं नौकरी नहीं कर पा रहा, सारे दिन खेत में रहो, और वो पैसा जो बैंक में रख सकता था उसके इंटरेस्ट का लॉस कर दिया उसने। सदर वाले जो दुकानदार बैठे हैं बड़ी बड़ी दुकानें लेकर, स्टॉक है केवल 2 लाख रुपए का, महीने में कमाते होंगे 10-15 हज़ार रुपये बस, ऐसे कुछ दुकानदार देखे हैं मैंने, वो दुकान बेच दें तो 2-2.5 करोड़ रुपये की मिल जाए, कमाते कितना है? 10 हज़ार महीना, बेवकूफ हैं, उन्हें पता ही नहीं कॉन्सेप्ट। 2.5 करोड़ रुपये की दुकान बेचो, उस पैसे को बैंक में एफडी कराओ, और बिना कुछ करे ही, मैं करूँ 10% छोड़िए 5% साल, हर बैंक में 6% करे थे, 2.5 करोड़ रुपये छोड़ो, 2 करोड़ रुपये मानो आप, 2 करोड़ रुपये का 10% 20 लाख, 20 लाख का आधा 10 लाख, 10 लाख रुपये साल यानी 1 लाख रुपये महीना लगभग बिना कुछ करे कमा सकते हैं वो। उन्हें पता ही नहीं कि दुकान करने से वो क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कौन कौन से सेक्रीफाइस कर रहे हैं? इंटरेस्ट, एक तो सेविंग का इंटरेस्ट ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दूसरा सैलरी का टाइम, तो देखिए जॉब करेंगे तो भी देना पड़ेगा, वो तो वो सेक्रीफाइस नहीं है, समय तो देना ही पड़ेगा, कुछ भी करेंगे तो टाइम तो जाएगा। लेकिन यस, आप सैलरी नहीं कमा पा रहे, आप इंटरेस्ट नहीं कमा पा रहे, दो सेक्रीफाइस कर दिए आपने। मुझे बताइए, इस पीएनएल को देखकर क्या लगता है आपको? रामलाल अच्छे अच्छे खासे मौज ले रहा है, लेकिन ये रामलाल को पता है यार, बिना मतलब बॉस को उस दिन मैंने गाली भर दी, अब बेकार के चक्कर में पड़ेगा, अच्छी खासी लाइफ चल रही है। ये जो पीएनएल है ये अकाउंट्स वाले बनाते हैं, लेकिन हम ऐसा पीएनएल नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे रियलिस्टिक पीएनएल। कैसा पीएनएल?
सेक्रीफाइस करने की कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं आती, यही डबल एंट्री सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सेक्रीफाइस मैंने इंटरेस्ट का करा, सेक्रीफाइस मैंने सैलरी का, क्योंकि इसमें डेबिट क्रेडिट क्या करें किसी को आता ही नहीं। ये डबल एंट्री सिस्टम पढ़ाया था 11th क्लास में आपको, ये डबल एंट्री सिस्टम का सबसे बड़ा लेकुना है। ये जो प्रॉफिट दिखाता है ये ट्रू पिक्चर नहीं बताता, ट्रू पिक्चर ये नहीं है, ट्रू पिक्चर ये है बाय सेल हाउ मच टू अकाउंटिंग कॉस्ट, अकाउंट्स वाले कितनी कॉस्ट मान रहे हैं, इसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कह देते हैं। क्या नाम है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट का मतलब स्पष्ट, जिसमें कोई डाउट नहीं। अकाउंट्स वाले भी कह रहे हैं कॉस्ट है, हम भी कह रहे हैं कॉस्ट है, इसमें तो कोई डाउट है ही। 6 लाख रुपए तो खर्च होंगे, स्टाफ की सैलरी, रेंट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे और तमाम खर्चे हैं। लेकिन एक और खर्चा है, इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या नाम है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। ऐसा खर्चा जिसमें डाउट है, हमें नहीं, किसे डाउट है? रामलाल को नहीं, गुप्ता जी को, अकाउंट्स वाले बाबा को, अमित सर को डाउट है। अकाउंट्स वाले इसे एक्सपेंस मानते नहीं हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ बंधे रहे हैं। किसने बांधे हाथ? डबल एंट्री सिस्टम ने। डबल एंट्री सिस्टम कह रहा है ये हमारी कमी है, लेकिन पढ़ना भी यही है, हम खुद कह रहे हैं गलत है, वो खुद ही कह रहे हैं गलत है, कह रहे लेकिन किसी और सिस्टम में जाएंगे तो गलतियां और ज्यादा हैं, तो पढ़ना तो यही पड़ेगा गलत। सही कौन कराएंगे? हम सही करेंगे। इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसमें आता है लॉस ऑफ सैलरी। कितने रुपए की सैलरी मिलती थी इसे? लॉस ऑफ सेविंग इंटरेस्ट। देखिए 50 लाख की एफडी थी ना, उस पर 10% इंटरेस्ट था, कितना? ये टोटल हो गया हमारे पास 10 लाख, यानी 6 लाख अकाउंट्स वाले एक्सप्लिसिट, 10 लाख इम्प्लिसिट, ये तो लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस हो गया? 4 लाख। समझ रहे हैं? ये तो रामलाल ही जानता है कि बिजनेस कर कर उसने मुसीबत मोल ले ली। पहले ज्यादा पैसे कमाता था, अब कम पैसे कमा रहा है। कितने रुपए का लॉस कर लिया भाई साहब ने? 4 लाख। इसने लॉस कर लिया अपना 4 लाख। मेरा ध्यान रखिए, अकाउंट्स में जितनी भी कॉस्ट आपने सुनी है, वट एवर द नेम, वेजेस, डिप्रिसिएशन, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल, जो भी नाम है, उसे हम आज के बाद बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो स्पष्ट है, जिसमें किसी को कोई डाउट नहीं, ना अकाउंट्स वालों को ना इकोनॉमिक्स वालों को। कुछ और कॉस्ट हैं जिसकी डबल एंट्री में अकाउंट्स में एंट्री पास नहीं हो सकती, उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, स्पष्ट। ऐसी कॉस्ट जो क्लियर नहीं है किसे? अकाउंट्स। हमें तो पता है सही क्या है, हमें तो पता है सही क्या है, लेकिन अकाउंट्स वालों को ये बात क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम का ये लकुना है, ये ड्रॉबैक है, ये कमी है उसकी। तो सही मुझे बताइए, सही कॉस्ट का मतलब क्या होगा? एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, या खाली एक्सप्लिसिट, या खाली इम्प्लिसिट? What is the meaning of true cost? Explicit plus implicit. कौन से प्रॉफिट सही लगते हैं आपको, अकाउंटिंग प्रॉफिट या इकोनॉमिक्स प्रॉफिट? इकोनॉमिक्स प्रॉफिट सही है, इकोनॉमिक्स के प्रॉफिट ही ट्रू पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं। वो देखकर तो हर कोई तारीफ कर रहा, रिश्तेदार पीठ थपा रहे, रामलाल तूने तो मजा कर दिया भाई साहब, वाह वेरी गुड, कीप इट अप बेटा, शाबाश, खा गए किसी बल्ले बल्ले। रामलाल कह रहा जाता क्यों नहीं यहाँ से, मैं रो रहा हूँ अंदर ही अंदर, तू कह रहा क्यों पिटा बल्ले बल्ले, क्यों? क्योंकि उसने सेक्रीफाइस ज्यादा कर दिया। 10 लाख सेक्रीफाइस करने के बाद कितने कमा रहा है? 6 लाख। 6 लाख
तो कहाँ होशियारी है इसमें? है कहीं होशियारी? कोई भी होशियारी नहीं है। सदर में 2 करोड़ रुपए की दुकान लेकर बैठा है, वो कह रहा भाई साहब 20,000 रुपए यहाँ कमाता हूँ। बेवकूफ हो, पागल हो, गधे हो, क्या तीर मार दिया तुमने भाई? तुम इंटरेस्ट का ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हो। आप इस पैसे को अगर बैंक में भी रख देते तो ज्यादा इंटरेस्ट कमा लेते आप, और आप बिजनेस करो बेकार सा ही। तो अच्छा बिजनेस करो, उसको यूटिलाइजेशन बेस्ट करो, ऐसा बिजनेस करो जहां पर सेल ज्यादा हो। छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, दुकान लेकर बैठे, इतनी बड़ी क्या फायदा? तो ध्यान रखना, 2 तरह की कॉस्ट होती है। पहली कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट है, ऐसी कॉस्ट जिसकी बुक्स अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम से एंट्री पास हो जाती है। अकाउंटिंग कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक और है इम्प्लिसिट कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास नहीं होती। तीसरी है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब टोटल, अकाउंटिंग यानी एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, इन दोनों का टोटल कर दें तो कौन सी कॉस्ट आती है? इकोनॉमिक कॉस्ट। अच्छा बताइए कहां प्रॉफिट ज्यादा आएगा, अकाउंटिंग में या इकोनॉमिक्स में? अकाउंट्स में हमेशा प्रॉफिट ज्यादा क्योंकि यहाँ कॉस्ट कम है। इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट हमेशा कम आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ कॉस्ट ज्यादा। लिखे नेक्स्ट स्टडी बनाकर लिखे अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट फर्स्ट पॉइंट लिखे, इसमें हेडिंग बनाइए अकाउंटिंग कॉस्ट, फर्स्ट पॉइंट लिखे इसमें। अकाउंटिंग कॉस्ट मींस, अकाउंटिंग कॉस्ट मींस, अकाउंटिंग कॉस्ट मींस सच कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट मींस सच कॉस्ट which can be recorded in books of accounts, which can be recorded in books of accounts. Accounting cost means such cost which can be recorded in books of accounts. Second word likhi, kya naam hai iska dusra? Next word likhi accounting cost are also known as, accounting cost are also known as kya? Explicit cost, explicit, explicit cost. Explicit को हिंदी में कहते हैं स्पष्ट, स्पष्ट है मतलब इसमें कोई डाउट नहीं, क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि ना अकाउंट्स वाले डाउट करें ना हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें तो डाउट है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए इम्प्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए इम्प्लिसिट कॉस्ट। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इम्प्लिसिट कॉस्ट मींस सच कॉस्ट, implicit cost means such cost which cannot be recorded in books of accounts. Such cost which cannot be recorded in books of accounts. ऐसे खर्चे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इंप्लिसिट कॉस्ट जनरली इंक्लूड्स, इंप्लिसिट कॉस्ट जनरली इंक्लूड क्या क्या? जनरली इंक्लूड, नेक्स्ट पॉइंट में लिखे ऐसे जनरली इंक्लूड लॉस ऑफ सैलरी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेल ऑब्लिक एफडी,
क्वेश्चन कभी एफडी लिख देगा, कभी सेविंग लिख देगा, तो एक ही बात है, जो पैसा बचा रखा था मैंने उस पर मैं कुछ ना कुछ कमा रहा था, वो मैंने क्लॉज कर दिया। ठीक है बात, इसी में नेक्स्ट वन लिखे इम्प्लिसिट में ही। पूछो आपसे एक पॉइंट, पक्की बात है, कन्फर्म? मुझे बताइए रामलाल के पास पैसे ही नहीं थे, बॉस से तो लड़ाया, उसे धमकी दिया, देख अब बिजनेस तेरे जैसे करना है, कल ही बराबर वाली दुकान में रोक सके तो रोक, वो घर आ गया, घर आकर याद आया पैसे तो नहीं, लोन लेना पड़ेगा, लोन लेंगे तो भी इंटरेस्ट आएगा। मेरा क्वेश्चन ये है, इंटरेस्ट सेविंग वाला और इंटरेस्ट लोन वाला दोनों एक ही बात है या अलग अलग बात है? इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या इसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो सकती है? क्या एंट्री होती है इसकी? पीएनएल टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू कैश, डबल एंट्री वालों ने सिखा रखा है, जो पेमेंट करनी होती है उसमें तो महारत है, डबल एंट्री वालों फटाफट एंट्री कर देते हैं, पीएनएल टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू कैश। ध्यान रखिए क्वेश्चन आपको दो दो इंटरेस्ट दे सकता है, इम्प्लिसिट में कौन सा इंटरेस्ट शामिल होगा? सेविंग वाला होगा, बस ध्यान रखने वाला, लोन वाला इंटरेस्ट इम्प्लिसिट में शामिल नहीं है, किसमें शामिल है? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी टेकन अंडर एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अंडर एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी टेकन अंडर एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड नॉट अंडर इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड नॉट अंडर इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक पिक्चर आई थी मिस्टर इंडिया, सुना ना, क्या खासियत थी इस पिक्चर की? पिक्चर में एक रिस्ट बैंड था, वो बांधिए आप गायब हो जाएंगे। तो ये जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है मिस्टर इंडिया कॉस्ट है, जो सुनाई तो दे दिखाई नहीं देती, किसी को दे रहे हैं हम, अकाउंट्स वाले कहते हैं जो दिखे वो खर्चा है, हम कह रहे हैं यार अगर हम सैलरी कमा लेते तो इतना लॉस कर दिया हमने बिजनेस कर कर, अकाउंट वाले कहते हैं ये कोई बेकार की बात नहीं, कमा लेते ना, कमाया तो नहीं ना, हम कह रहे थे भैया कल तक ही तो कमा रहे थे, आज बेचकर फिर हम बैंक में डाल देंगे तो कमाने लगे, इसमें हम सपने थोड़ी देख रहे हैं, ये कोई सपने की बात थोड़ी है। अकाउंट वाले कह रहे हैं भैया जब कैश होगा जब बात करना, हम ऐसे आपकी बात नहीं, तो मैं ऐसे कहता हूँ मजाक में, ये जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है ये सुनाई भी देती है और दिखाई भी देती है। मैंने किसी को सैलरी दी, सुन भी रहा है सैलरी और दिख भी रहा है दे रहा हूँ, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करी, सुन भी रहा है और मैं दे भी रहा हूँ, इसे कहते हैं इंडिया कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट सुन तो रही है दिख नहीं रही, किसी को दिया मैंने इंटरेस्ट एफडी का, दिया नहीं वो तो मैं कमा सकता था, मैंने कमाया नहीं, दिया थोड़ी है किसी को, सैलरी मैं कमा सकता था, मैंने दी थोड़ी है किसी को, तो ये कौन सी कॉस्ट है? मिस्टर इंडिया कॉस्ट, ऐसा खर्चा है जो सुने तो दिखे नहीं, और इंडिया कॉस्ट क्या है? जो दिखे भी और सुने भी, इसलिए वो स्पष्ट है, एक्सप्लिसिट है, और इम्प्लिसिट क्यों है? क्योंकि वो सुन तो रही है मिस्टर इंडिया की तरह लेकिन दिख नहीं रही। तीसरी कॉस्ट बनाइए, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए इकोनॉमिक कॉस्ट, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए इकोनॉमिक कॉस्ट। अब हम अपने ऊपर आते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, इकोनॉमिक कॉस्ट मींस सम ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, इकोनॉमिक कॉस्ट मींस सम ऑफ टोटल, किसका सम? एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट।
सिलेबस सही क्या है? अच्छा क्या लगता है आपको दिल से, कौन सा पीएनएल इसमें रियलिस्टिक है? आप नेक्स्ट स्टेज पर पढ़ेंगे सीए इंटरमीडिएट में, इस अकाउंट को हम खारिज कर देंगे सीरीज। जो आप पढ़कर आ रहे हैं ना बड़े खुश होते हैं, अकाउंटेंट बन गए, ये सब किताबी ज्ञान है। रियलिस्टिक ऐसा कोई अकाउंट हम बनाते ही नहीं। प्रैक्टिकली जितने भी बिजनेसमैन हैं, मैंने कहा ना दो तरह के बिजनेसमैन हैं, वाइज एंड अदरवाइज। जो अदरवाइज हैं वो ये सोचते हैं हमने बनाना सीख लिया, अरे बड़ा बस हमें तो सब काम आ गया। जो वाइज हैं वो ये बनाते हैं, वो देखते हैं इस बिजनेस को करने से कुछ फायदा है या नहीं है। वहां से तो खूब प्रॉफिट आ रहे हैं, लेकिन जब हमने ये बनाया तो लॉस आया, तो ये बिजनेस करना ही क्यों, कुछ और कीजिए, जरूरी है इसी के पीछे भागते हैं। तो हमेशा हमें चेक करना है इस बिजनेस को करने से फायदा भी है या नहीं है। वो तो कह रहा खूब फायदा है, जबकि प्रैक्टिकली लॉस। प्रैक्टिकली में क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐसे खूब सारे बिजनेस हैं जो इतना भी नहीं कमा पा रहे, सैलरी तो छोड़ दीजिए, वो इतना भी नहीं कमा पाते कि बैंक के एफडी के इंटरेस्ट की बराबरी कर सके, इतना भी वो लोग नहीं कमा पा रहे। उस बिजनेस को करने से कोई लाभ है? बहुत किसान है, 99% फार्मर ऐसे ही हैं। अगर आप उनसे बात करो, कितनी जमीन है, 100 बीघा जमीन, वैल्यू करो 10 करोड़, कमाते क्या, साल के 2 लाख कमाते हैं बस, गुजर बसर कर रहे हैं, तो बहुत गरीब है। कैसे गरीब हो भाई तुम, क्यों दिमाग नहीं लगाते हो, 10 करोड़ की जमीन लिए बैठे हो, गरीब हो, कैसे गरीब हो तुम, तो जानबूझ कर गरीब हो, तुमने पढ़ा ही नहीं कौन सा। इकोनॉमिक कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट किसका टोटल ज्यादा है, किसका टोटल ज्यादा है, इकोनॉमिक कॉस्ट का या अकाउंटिंग कॉस्ट का? क्यों? क्योंकि दो शामिल हैं, अकाउंट्स में एक शामिल है, नेक्स्ट में लिखे इसी में, इकोनॉमिक कॉस्ट में। इकोनॉमिक कॉस्ट इज वाइडर देन अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट इज वाइडर देन अकाउंटिंग कॉस्ट। कहां प्रॉफिट ज्यादा आएंगे, कहां कम? अकाउंट्स में हमेशा ज्यादा आएंगे क्योंकि एक ही खर्चा है। इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट हमेशा कम आएंगे क्योंकि वहां दो खर्चे हैं। नेक्स्ट में लिखे, जनरली प्रॉफिट कम, जनरली वर्ड मैंने इसलिए लिखा, मान लीजिए है ही नहीं, उस पर अपना पैसा नहीं था, नौकरी इसने जीवन में करी नहीं, ऐसे भी हो सकता है। अगर मैं तो अनपढ़ हूं, कौन नौकरी देगा, तुम नौकरी के भी लायक नहीं हो, और जो है पैसा तो मेरे पास है ही नहीं अपना, सेविंग भी नहीं। तो जनरली प्रॉफिट कम्स हायर इन अकाउंट्स एंड लोअर इन इकोनॉमिक्स, जनरली प्रॉफिट कम्स हायर इन अकाउंट्स एंड लोअर इन इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, ये बात कुछ पूछना है यहां तक आपको, पूछेंगे कुछ? हाँ जी, पूछना है कुछ बेटा? पूछना है कुछ बोलो। अकाउंट्स में आते हैं? अरे ऑपरेटिंग मुझे नहीं पता, अकाउंट्स में आते हैं बस, आते हैं तो एक्सप्लिसिट है, वो हम करेक्शन बाद में करेंगे, वो भी गलती है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ तक की करेक्शन कर रहे हैं। अकाउंट्स और हमारे सेम है फिलहाल, हम कुछ उससे बियॉन्ड जा रहे हैं, अगली स्टेज में सी एंटर में कहेंगे अकाउंट्स में जो करते हैं उसमें कुछ गलतियाँ हैं, अभी तो हमने वो गलती पकड़ी जो आप करते ही नहीं। अगली स्टेज में सी एंटर में कहेंगे तुमने जो एक्सपेंसिस लिए ना 6 लाख, इसमें भी कुछ डिस्प्यूट है, जैसे डेप्रिसिएशन, आप कह रहे खर्चा है, हम कह रहे नहीं दिया ही नहीं किसी, लड़ो मत बेटा, मुझसे पूछो, अच्छा पूछो मुझसे पूछो, बोलो।
ये तो बेटा इतनी देर से क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, वो कह रहे हैं सर सब समझ में आ गया, बस ये नहीं समझना है आपने पढ़ाया क्या है, सब कुछ समझ में आ रहा है, बस आपने आज क्या पढ़ाया यही समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या कह रहे हो, कभी कह रहे हो खर्चा है, कभी कह रहे हो नहीं है, कभी कह रहे एक्सपेंसेस क्या क्या बढ़ा रहे सर, समझ में सब आ रहा है लेकिन सब समझ में आता है मुझे, बस आज वाला नहीं समझ रहा, और ये तो खास तौर से नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहे हो आप, कभी कह रहे हो इंटरेस्ट खर्चा है, कभी कह रहे हो नहीं है, क्या क्या कह रहे हो, लेकिन समझ में सब आ रहा है पक्का, लिखे एग्जाम्पल लिखे, टोटल सेल्स एग्जाम्पल लिखे, टोटल सेल्स इज इक्वल टू रुपीज 1 लाख, एग्जाम्पल क्वेश्चन है, टोटल सेल्स इज इक्वल टू रुपीज 1 लाख, लिख लिया, नेक्स्ट लाइन में लिखे एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 75,000, एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 75,000, नेक्स्ट लाइन लिखे बिजनेस ऑनर कुड हैव बीन वर्क, बिजनेस ऑनर कुड हैव बीन वर्क, कर सकता था वो कुछ काम, बिजनेस ऑनर कुड हैव बीन वर्क फॉर अनदर कंपनी, बिजनेस ऑनर कुड हैव बीन वर्क फॉर अनदर कंपनी, एंड कैन अर्न रुपीज 30,000, एंड कैन अर्न रुपीज 30,000, 30,000 रुपये को कमा सकता था किसी और कंपनी में काम करके, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, फर्स्ट लिखे इसमें टोटल अकाउंटिंग कॉस्ट, बताइए आंसर, कैसे बता, भाई एक्सप्लिसिट का दो अकाउंटिंग कॉस्ट है, तो आंसर कितना है इसका 75, सेकंड लिखे इंप्लिसिट कॉस्ट, इंप्लिसिट कॉस्ट 30,000, इंप्लिसिट कॉस्ट मतलब लॉस ऑफ सैलरी जो वो हम कमा सकते थे और लॉस ऑफ इंटरेस्ट जो हम कमा सकते थे, नेक्स्ट लिखे अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट 25,000, अकाउंटिंग प्रॉफिट 25, कैसे है 25, पीएनएल बना लीजिए, क्रेडिट साइड 1,00,000, डेबिट साइड 75,000, इंप्लिसिट आना ही नहीं है तो प्रॉफिट कितना है 25, नेक्स्ट पॉइंट लिखें इकोनॉमिक्स प्रॉफिट, लॉस रुपीज 5,000, ठीक है बेटा, नेक्स्ट लिखे इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट क्वेश्चन है, मतलब 4-5 बातें थे ना इसमें, इकोनॉमिक कॉस्ट एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट 75 प्लस 30 1,05,000, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते
नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखे, ये सलमान खान की लास्ट मूवी कौन सी आई थी, फ्लॉप हो गई, सलमान खान, सलमान खान पृथ्वीराज के काम है राधे, लिखे लिखे, आफ्टर द सुपर फ्लॉप ऑफ राधे, आफ्टर द सुपर फ्लॉप ऑफ राधे, आफ्टर द सुपर फ्लॉप ऑफ राधे, सलमान खान कोई फैन वैन तो नहीं है कोई मुझको पथराव कर रहे सलमान खान नाउ डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, नाउ डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, अगर आप पिक्चर उच्चर तो चलती नहीं है मेरी, अब एक बिजनेस करेंगे, बिजनेस फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन लिखे, ही परचेज्ड अ शॉप नियर टू आईपीसी, ही परचेज्ड अ शॉप नियर टू आईपीसी, बढ़ाएंगे मेरठ, एंड स्टार्ट द बिजनेस ऑफ राधे मानवाला, राधे मानवाला, नेक्स्ट लाइन फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन, हिज फर्स्ट ईयर, ऐसा मत समझिए पागल नहीं है वो, खूब पैसा कमाया उसने, अभी देखिए फायर पान भी रखा उसने और भी तमाम तरह के पान रखे, हाँ क्या लिखा भी उसमें, नेक्स्ट लाइन में हिज फर्स्ट ईयर सेल इज इक्वल टू रुपीज, हिज फर्स्ट ईयर सेल इज इक्वल टू रुपीज 12 लाख, पहले साल में देखिए 12 लाख रुपए की सेल कर डाली, नेक्स्ट लाइन हिज अकाउंटिंग कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल टू, हिज अकाउंटिंग ऑफ द एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 4 लाख, 4 लाख रुपए, नेक्स्ट लाइन लिखे ही इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस, नेक्स्ट लाइन लिखे ही इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस रुपीज 10 लाख, इस बिजनेस में उसने 10 लाख रुपए लगाए, इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस रुपीज 10 लाख, कॉमा इस बिजनेस में कितने पैसे लगाए उसने, टू कलेक्ट दिस 10 लाख टू कलेक्ट दिस रुपीज 10 लाख ही हैज टेकन लोन ऑफ रुपीज 6 लाख, ही हैज टेकन लोन ऑफ रुपीज 6 लाख एट द रेट 10% पर एनम एंड रिमेनिंग अमाउंट ही अरेंज्ड एंड रिमेनिंग अमाउंट ही अरेंज्ड फ्रॉम हिज बैंक FD, दस लाख में से 6 लाख का लोन लिया, 4 लाख का जुगाड़ और करना था, उसने FD से जुगाड़ करा, ब्रैकेट में लिखे FD रेट वॉज ऑल्सो 10%, FD रेट वॉज ऑल्सो 10%, FD का रेट भी कितना था 10%, फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन लिखे ही वॉज प्रीवियसली अर्निंग रुपीज
he was previously earning rupees 4 lakh. वो पहले कितना कमाता था? पुलिस को यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकाउंटिंग पीएनएल एंड इकोनॉमिक्स पीएनएल. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकाउंटिंग पीएनएल एंड इकोनॉमिक्स पीएनएल. दो पीएनएल बनाने हैं आपको, अकाउंट्स वाला बनाना है और इकोनॉमिक्स वाला बनाना है. कीजिए साहब झटपट, आज का आखिरी क्वेश्चन है. पीएनएल बता दो, मैं कुछ भी पूछ लूंगा आपसे. आप अकाउंटिंग पीएनएल बना लीजिए, मैं आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं. कितने रुपए का चूना लगाया इसने, सेल कितनी मेरी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट हाँ एक्सप्लिसिट नहीं है, लेकिन ये अलग से दिया है क्वेश्चन. इंटरेस्ट ऑन कितने रुपए का लोन लिया? 6 लाख. किस रेट से लिया? तो कितने रुपए का आया? तो टोटल एक्सप्लिसिट ये होंगे. ऊपर लिख लीजिए चाहे तो करेक्शन, अगर आपको डाउट है. ऊपर मैंने जो एक्सप्लिसिट लिखवाया था ना, एक्सप्लिसिट लिखवाया था 4 लाख, वहां लिख लीजिए एक्सेप्ट इंटरेस्ट. एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऐसे लिख लीजिए अगर डाउट है. तो कितने रुपए कमाए सलमान खान ने? 7,40,000. चूना लगा लगा कर कितना पैसा कमाया? 7 लाख. अच्छा ही तो करा, अच्छे खासे पैसे कमा रहे. ठीक है, अब यहां ये सेल 12 लाख तो वही है, डाउट सेल का थोड़ी है. एक्सप्लिसिट है 460. इम्प्लिसिट है क्या कुछ? यस सर. इम्प्लिसिट जो भी वो पहले कमाता था भाई, अपने पिक्चर तो होती नहीं. इसकी सैलरी मान लीजिए कितना हुआ? सैलरी 4 लाख. 4 लाख और एफडी वाला इंटरेस्ट 40,000. 4 लाख रुपए सेविंग से अरेंज करे थे 10%, 40,000. 4 लाख
40,000। तो ऑल दो अभी भी बेचारा ने प्रॉफिट कमा लिया है, कितना है? ठीक है, बात कुछ भी क्वेश्चन आए एग्जाम में टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी, इसी में से आंसर आ जाए। अकाउंटिंग कॉस्ट कितनी है? 440 प्लस 460 9 लाख। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है? 740। इकोनॉमिक्स प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। अकाउंटिंग कॉस्ट कितनी है? 460। कुछ भी क्वेश्चन पूछे आपको हमेशा एग्जाम में क्या करना है, दोनों P&L बना लीजिए आप, अकाउंट्स वाला भी और इकोनॉमिक्स वाला। कुछ भी पूछे सारे आंसर अपने आप आते चले जाएंगे। दो तीन क्वेश्चन यहाँ से आते जरूर है। सबसे आसान तरीका दोनों के P&L बना लीजिए, अकाउंट्स का भी और इकोनॉमिक्स का, और सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन क्लियर कट देगा। इतने का लोन है, इतने की FD है, इतने की सैलरी थी, पहले ये कमाता था, अब ये सेल है, ये अकाउंट्स के खर्चे हैं, सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, बात तो आज एक तो नोट्स मिल जाएंगे जब आप जाएंगे, तो ये इसके क्वेश्चन आपको घर पर ट्राई करना है। चैप्टर नंबर 7 ये हमारा कंप्लीट हो गया है, लिख लीजिए कहीं पर, चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया, इसके क्वेश्चन करने हैं आपको ट्राई। और चैप्टर 6 के दो कॉस्ट हमने ट्राई, तीन कॉस्ट कर लिए हमने, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट, तो उसके क्वेश्चन हैं वहाँ पर, वो आप ट्राई कर लें। मैंने सारे करा दिए विचार, हाँ रजिस्टर कर लीजिए, आप रजिस्टर बना लीजिए, हाँ इसलिए कर लीजिए, एक रजिस्टर बना लीजिए, बहुत सबमिशन भरेगा नहीं पूरा। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं तक है, अभी अकाउंट्स की क्लास है आपकी। थैंक यू।